सब्सक्राइब करें ऑटो मशीन इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबा लें लेटेस्ट टेक्निकल मशीन्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ब्लैक ऑयल के बारे में, जो इंजन ऑयल होता है जो खराब हो जाता है, जो उसको चेंज करते हैं, जो उससे पुराना इंजन ऑयल निकलता है उसको कहाँ से खरीदना है आपको, और उसे कैसे और कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। जैसे आप देखते हैं थोड़ा ब्लैक होल जो है नीचे पड़ा हुआ भी है, तो और ये उधर साइड में आप देखेंगे ड्रम के अंदर भरा हुआ है। ओके, तो हम देखेंगे कि इसे कैसे हम किसी भी जगह से खरीद सकते हैं। मतलब ये बहुत सारी जगह होती हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ होती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं और डिपो होते हैं, वहाँ से आप इन ऑयल को खरीद सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो बात करूँगा। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बैरल्स हैं, ये ऑयल से मतलब कि जो पुराना ऑयल है इनमें डाल रखा हुआ है, और हम इन ऑयल्स के बैरल्स को किसी भी डिपो से खरीद सकते हैं और किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी से, जहाँ पे भी इंजन के ट्रक चलते हैं वहाँ से इन्हें खरीद सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, और वहाँ से कुछ ऑयल था वहाँ साइड में गिरा हुआ था नीचे, तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, जो ये ब्लैक ऑयल होता है जैसे काला तेल बोलते हैं कुछ लोग, उसे काला सोना भी बोलते हैं, तो ये आप कैसे खरीद सकते हो। इसे आप किसी भी डिपो में या किसी भी जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनियां होती हैं वहाँ पर जाकर खरीद सकते हो। डिपो जो आपके मुंबई हरियाणा या कहीं भी आप रहते हो, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, सब जगह उनकी बसें होती हैं उस स्टेट की, तो वहाँ पर उनके अपने डिपो होते हैं, वहाँ पर जाके आप उस ऑयल के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि वो गाड़ी की सर्विस होती है, ऑयल चेंज होता है, तो वहाँ पे उनका ब्लैक ऑयल जो होता है वो निकलता है, जो ख़राब तेल होता है उसको इकट्ठा करते रहते हैं, और लॉजिस्टिक कंपनियाँ होती हैं वो भी, उनके पास बहुत सारे ट्रक होते हैं, तो वो अपनी रिपेयरिंग के बाद उन ब्लैक ऑयल जो होता है हमारा उसको इकट्ठा करते हैं। वहाँ पर आप जाके जिस हिसाब से भी आप ऑयल को खरीदना चाहते हैं पर लीटर या आप पर बैरल खरीदना चाहते हो, उनकी कोटेशन दे सकते हैं। कोटेशन देने के बाद वहाँ पर कोटेशन उनके पास, अगर वो पास कर देते हैं तो आप उनके जितने भी ऑयल होते हैं उसको खरीद सकते हो। अगर आपका जो दाम है औरों के मुकाबले ज़्यादा लिखा जाता है, उनको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, तो या फिर आपकी कोई सिफारिश, आप किसी को जानते हो उसके थ्रू भी, आप वहाँ पर आप जानते हो पैसे दे के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन डिपार्टमेंट के अंदर, वर्कशॉप डिपार्टमेंट में, तो मतलब कि आपकी जान पहचान भी होनी चाहिए। जैसे आप वहाँ से जो काला तेल है, जो काला सोना ही बोलते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए लोग इसको खरीदते हैं और बहुत ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑयल आप खरीद के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और इनको आप इन जगहों से खरीद सकते हो, ट्रांसपोर्ट वहाँ से जाकर आप ये जो ऑयल होता है उसे खरीद सकते हो, उसे काला सोना कहते हैं आप जैसे जानते हो। तो इनके बहुत सारे डिमांड होते हैं और मार्केट में इन्हें अच्छे खासे दाम से भी बेच सकते हो आप, अगर आपको अच्छा पता है इनके बारे में तो, क्योंकि जब इन बिज़नेस से आप जुड़ोगे तो आपको आपको इसके बारे में और भी अच्छी खासी नॉलेज होगी। पर आपको जो ऑयल है वो खरीदना आना चाहिए, खरीदने के बाद तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत सारी जगहों पे इसे सेल करने की आप में कैपेबिलिटी हो सकती है। तो आपको मैंने यही बताना चाहता था कि ऑयल आपको कहाँ से मिलेगा, तो और भी बहुत सारी जगह होती हैं जिनके पास 10 ट्रक है, 20 ट्रक है, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, और छोटे मालिकों के और जो छोटे टेम्पो वाले होते हैं उनके पास भी, अगर किसी इंसान किसी बिजनेसमैन के पास 20-25 टेम्पो तो उनका भी ब्लैक ऑयल निकलता है। और जो वर्कशॉप होती हैं जहाँ पे ये गाड़ियाँ रिपेयरिंग होती है, सर्विसिंग होती है, जैसे आप रोड पे चलते हो वहाँ पे भी जो मैकेनिक्स या कोई कोई व्यक्ति जो अपनी खुद की वर्कशॉप खोल के बैठा हुआ है, वहाँ पे भी गाड़ियों की जो ट्रक है बस की सर्विसिंग होती है प्राइवेट बसों की, तो वहाँ पर भी जाके आप उनसे भी, मैकेनिकों से भी मिल सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो, और जो वर्कशॉप का ऑनर है उनसे बात कर सकते हो। जैसे आप सर्विस स्टेशन देखें रोड पर, और डीलरशिप के सर्विस स्टेशन भी आपने देखे होंगे, डीलरशिप से भी आप खरीद सकते हो, डीलरशिप भी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर भी आप जो डीलरशिप का ऑनर होता है उन ट्रक जो ऑयल निकलता है उनको भी इकट्ठा करता है और उनको बेचा जाता है, वहाँ से भी आप इन ऑयल को खरीद सकते हो और इसका काम चालू कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, लाइक रेड रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा देना, बेल आइकन के बटन को दबा देना, ताकि हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सको, वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आपको नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहें। थैंक यू गाइस।